काम छोटा है या बड़ा, वो आपका घर चला रहा तो वो आपके लिए श्रेष्ठ है। मतलब जी मैंने ऐसा कभी लगता है। अपने लिए भी इतना इकट्ठा ये 20,000 का सामान नहीं खरीदा था आज तक। अच्छा, बीस हमारी हजार मोबाइल का भी लगा। 7,000 की। हाँ पहले तो आप बताओ कैसी हो। हम ठीक है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे छोटे से काम से मुझे इतना सम्मान दिया जाएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे कृष्ण सिद्धार्थ भैया। अरे राधे कृष्णा मैम। तो गाइस देखो, बहुत दिन बाद फिर हम अनीता मैम के पास आए हैं, और आज अनीता मैम से हम जानते हैं कि 4 महीने में उनकी जिंदगी अभी कैसे क्या चल रही है पहले के मुकाबले। देखो, अरे हंस क्यों रही है? अरे तेरे हंसी के कायल है सब लोग, पता है क्या? तुम दोनों का क्यूट सा हंसी सबको पसंद आ रहा है। आपको कैसे पता चल गया जो प्रसाद लेने पहुंच गए? ओ हम माय गॉड, अयोध्या से राम जन्मभूमि से आए हैं, अरे क्या बात काशी है ये। प्रयागराज गंगा जी नहा के। किसने अच्छा, खबर दी आपको? अरे आप सेलिब्रिटी हो नहीं, गई आपको अनिता खबर देने मैम। की जरूरत नहीं है। हमें तो आप यूपी से खबर आ गया था। नहीं, आप हाँ पहुंच जाते हैं हर जगह। हाँ वही ना। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बाहर गए थे बहुत दिन बाद बहुत तुम्हें। अरे अच्छा एक्सपीरियंस। छोड़िए, मतलब इतने लोग वहां, लोग बोले मैं आपको कहीं देखा देखा हूँ। फिर एक दिन बाद, कोई 2 घंटे बाद बोलता है मैंने आपको फेसबुक पे देखा, आप मोमो आंटी हो। मैं वाह बोले क्या बात अभी दीदी से मैं आंटी बन गई, क्योंकि हमारे वहाँ सब दीदी बोल रहे थे। है। अचानक ये मोमो आंटी है, मोमो आंटी, बड़े भी और छोटे भी, ओ सबकी माय आंटी गॉड। मोमो आंटी। मैं बोल रही हूँ, जब से मतलब वीडियो आप लोगों ने डाला है ना, तब से जिंदगी में ऐसे लगता है जैसे एक बहार सी आ गई है। जिंदगी तो चल रही थी, पर अभी बोलते ना बहारों के साथ, जैसे बोलते ना बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अरे तो वाह, मतलब मेरे ग्राहक, मुझे जो सम्मान मिला, लोग मुझे पहचाने, और जो मुझे आज हौसले के साथ बोल रहे, मानना पड़ेगा कि आपने जो हिम्मत दिखाई है, मतलब आपने कई बहनों को रास्ता दिखाया है कि आगे मुसीबत को देख के डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। उसके लिए मुझे लोग इतना मतलब सम्मान दे रहे हैं। शायद मैं इसके एक हकदार हूँ या नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आपको मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे छोटे से काम से मुझे इतना सम्मान दिया जाएगा। बहुत बढ़िया लगता और सबसे बड़ी बात है कि जिंदगी में फर्क ये पड़ा कि जब आपका इनकम ऑफ सोर्स जो है कमाई, उसमें अगर बढ़ोतरी होती है तो आपका लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो अभी बिल्कुल। क्या होता है, कुछ लोग प्यार से हमारे लिए कुछ भेज रहे हैं, खासकर कलकत्ता वालों का। राइट मतलब ये तीसरा कि चौथा पार्सल आ चुका है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वहाँ की भाषा बहुत मिष्टी है, वहाँ के लोग भी मुझे बड़े मीठे लग रहे हैं, चिपक राइट गए हमसे। अभी मैं गई थी वहां भी, हमें कलकत्ता वाले पहचान गए कि आपको देखे देखे। तो मैं बोली हाँ देखे होंगे, आप मोमो आंटी हो ना? मैं बोली जी बिल्कुल, फिर तो मोमो खाने अब उड़ीसा आना पड़ेगा। मतलब हमारे उड़ीसा के लोग कायल थे। अभी तो हमको लग रहा है पूरे भारत के हर क्षेत्र से लोग मेरे और मेरे मोमोज के दीवाने हैं। यस, और इन क्यूट बच्चियों का भी तुम लोग भी फैन बना दिए हो भाई। तुम क्यों छुप रहे हो? और अभी जैसे कुछ भी लाइफ स्टाइल में चेंजेस आए हैं ना, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि व्यापार छोटा हो, अगर इनकम अच्छी है, तो व्यापार छोटा नहीं होता है। पहले लोगों को लगता था कि ठेले साइकिल वाले का कोई इमेज नहीं है। आज लेकिन मतलब पता चल रहा है कि मुझे देख के या मुझे खुद को जो सम्मान और व्यवहार मिल रहा है, जहाँ 5 लोगों के बीच छठी मैं रहती हूँ, हर 4 लोगों के बीच एक मैं को शामिल किया जाता है बड़े बड़े कामों में। कहीं अच्छा जैसे किसी को मतलब दिया जाता है ना कि प्राइज की भाई बहुत अच्छा काम किया, तो उस जगह मुझे भी लिया जा रहा है। जैसे अभी 2 अक्टूबर में मैं सैल्यूट तिरंगा बोल के हमारे जेपी हॉस्पिटल में भी मुझे सम्मानित किया गया। अरे तो हर वाह, जगह जो सम्मान मिल रहा है, ये काम से मिल रहा है। इससे समझ में आता है कि काम छोटा है या बड़ा, वो आपका घर चला रहा तो वो आपके लिए श्रेष्ठ है। बहुत बढ़िया बात कहा आपने। तो अनिता मैम, ये फिर से एक छोटा सा पार्सल एक कोलकाता से आया, पूनम मैम ने भेजा है। तो देखिए, ओपन करिए फिर। तो गिफ्ट के लिए पूरा ये पूरा क्या भेज रहे हैं? गिफ्ट देख के ही पूरा खुश हो जाती है लड़कियां। पर हाँ, स्कूल ये किताबें पेंसिल ये जितने आ रहे हैं ना, इनका यूज होना चाहिए, ना कि खाली सजा के रखना है। नहीं तो जो लोग भी भेज रहे हैं ना, नाराज हो जाएंगे आप सबसे। ठीक है, अपना ड्राइंग करके मस्त दिखा रहे हो? एकदम पढ़ाई करना है और दिखाना है कि मेरी मैम हाँ। बोली थी मुझे, मैंने कहा स्टिकी नोट। हाँ अच्छा, स्टिकी नोट से क्या ये? ठीक है, ये सबका प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, ट्यूशन के लिए कितना अच्छा बुक्स है, खत्म होने वाला था। हाँ यस। ये अरे ये वो क्या है रे, पेंसिल है क्या? ये इरेजर है, पजल इरेजर। वो क्या होता है रे, पजल इरेजर? अब ओपन करेंगे, खोलो ना। अरे दे दे, तो उसको अलग करके दे, ये लोग लगा पाते हैं कि नहीं देखते हैं। हाँ लगाओ पूरा अभी। लगा तो करो कॉपी पे। अच्छा, ये पजल सॉल्व करो, देखते हैं। अरे मैं
देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं लड़कियां। मुझे लग रहा है थोड़ा गलत हो रहा है। नहीं नहीं गलत है। करेक्ट। यस हो गया फाइनली। अनिता मैम ये क्या चीज है, कुछ नया? अगली बार तो नहीं था ये? ये बच्चों का टैब लाई हूँ भैया, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हो रहा था और मैंने बहुत कोशिश किया था कि किसी से मांग लूँ, सेकेंड हैंड ले लूँ। अच्छा। पर उस पैसे भी नहीं हुए और मिला भी नहीं। अच्छा। फिर जो आपका वीडियो वायरल हुआ है ना, ये एक तरह से मतलब इसमें आप लोगों का भी साथ है। अरे क्या बात है, हमें बहुत खुशी होती है। जैसे आप मतलब मैंने कभी अपने लिए भी इतना इकट्ठा ये 20,000 का सामान नहीं खरीदा था आज तक। हमारे मोबाइल भी 7,000 की है। 20,000 का चीज है लेकिन इसका काम ना बहुत ही मैंने अनमोल होगा। एक्चुअली बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन क्लास हो रही है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, इनकी आंखों में काले घेरे आ जा रहे थे। राइट मोबाइल में, राइट जी। तो अभी इतने खुश होके पढ़ते हैं ना कि इनको लगता है कि ब्लैक बोर्ड आ गया है। बहुत बढ़िया। और टीचर भी हमारी इतना अच्छा है इसमें दिखती है कि बच्चों को पूरा लगता है। हाँ ओके। और एक सबसे अच्छी चीज एक लगी है, स्टैंड कैसे कहाँ से आपने बना लिया, दिखाइए थोड़ा। मुझे डर था ना ये इतना महंगा चीज है तो कहीं गिरा नहीं दे। अच्छा तो ये स्टैंड आपने ही बना दिया? ऐसे काट के इसे सेट कर दिया इसमें। तो अरे बच्चों को भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इंडियन जुगाड़ बोलते हैं इसको जी। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ आराध्या मैडम, पहले तो आप बताओ कैसी हो? हम ठीक है। बहुत अच्छी लग रहे हो। हाँ। और ये क्या चीज है, आप तो बहुत इंजॉय कर करके पढ़ रहे हो अभी? ये मेरा टैब है। हाँ। तो सच में पढ़ाई कर रहे हो या इसमें यूट्यूब देखते हो बैठ के बस? सच में पढ़ाई कर रहे। बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, बहुत अच्छी चीज है। एक मम्मी को बहुत बहुत थैंक्स आपकी, बहुत अच्छा एक चीज लाया आपके लिए, बहुत हेल्प हो जाएगी। ऐसे ही पढ़ो, और जो लोग भी आपको चाहते हैं ना पूरे इंडिया में, उनका नाम रोशन करना है आपको, ठीक है? बहुत बहुत बढ़िया, गुड, कीप इट अप। और विधि मैडम आप पढ़ाई कर रहे हो ना, खाली आराध्या ही कर रही है इधर? मैं भी कर जा रही हूँ। आप कर रहे हो? हाँ। अच्छा सही है। और अपनी बहन को हेल्प कर रहे हो ना आप? हाँ। पढ़ाई में बढ़िया, खुद भी करो और बहन को भी हेल्प करो, राइट? और ये टैब चलाना तो दोनों को आ गया होगा, राइट? हाँ। बहुत अच्छी, हाँ इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो बहुत अच्छी तरह जल्दी आएगी आप लोगों का, ठीक है? अच्छा है ना, पहले मोबाइल में प्रॉब्लम होता था, अभी देखो सब बड़ा बड़ा दिख रहा है, राइट? पढ़ने में भी बहुत ईजी हो रहा होगा अभी, राइट? सही है, बहुत अच्छा। ऐसे ही पढ़ाई करो दोनों, ठीक है? तो दोस्तों वापस फिर से आप सबका दिल से शुक्रिया, जो आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो अनिता मैम को, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एड्रेस में सारे पार्सल्स आ रहे हैं उनके, क्योंकि अनिता मैम ने खुद ये बोला हुआ है। मैं आप लोग कुछ कुछ पूछते हो नहीं, अनिता मैम का डायरेक्ट हम एड्रेस है, अनिता मैम बता देंगे। खुद उन्होंने ही हमें जिम्मेदारी दिया है कि पहले सारे एड्रेस जो है हमारा ही हम शेयर करेंगे, आप वहाँ पे देंगे, तो हम आपके अनिता मैम के पास वो पार्सल लेके आ जाएंगे और एक वीडियो बना के आपको प्रूफ भी दे देंगे कि आपका पार्सल सही सलामत अनिता मैम के पास आके पहुँच गया है। और फिर से सबको दिल से धन्यवाद, और आगे भी जब जब पार्सल आएगा हम अनिता मैम के पास आते रहेंगे, ऐसे इस बहाने अनिता मैम के पास आते रहेंगे हम पार्सल के बहाने। तो बहुत अच्छा लगता है गाइस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल और हमारे पेज को भी सपोर्ट करते रहिए साथ में, तो हमें और हौसला बढ़ता है आगे और अच्छा काम करने का। पूनम जी, राधे कृष्ण, जय श्री राम, और कैसे हैं आप? आपका हमें गिफ्ट जो है उपहार मिला, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। आपका ये प्यार है, और ऐसे प्यार बच्चों को मिलता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हम तीन ही रहते हैं ना, वहाँ से बोलते हैं ना तुम्हारी मौसी है, पूछते हैं बच्चे किसने भेजा, मैं बोल देती तुम्हारी मौसी है, कोई तुम्हारी दीदी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया सिद्धार्थ भैया, जो आप सबसे लाना मंगवाना बीच का जो सारा टेंशन मुझे इसे ले लेते हो ना, ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा किराए का घर है, मैं रहती हूँ, नहीं रहती हूँ, कौन अटेंड करेगा? तो बहुत आप इस बार जो मेरा साथ दे देते हो, और साथ में आपके जितने भी वीडियो देखते हो उनका जो काम कर देते हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम मैम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हाँ चलिए। ओह माय गॉड, राखी में आप नहीं आए थे ना? देखिए हम फिर आपको प्रेम की डोर से बांध दे। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे बड़ी दीदी को ना भुलाना। दीदी हो बट उसने फेमस कर दिया आपको स्कूटी वाली मोमो आंटी के नाम से। yeah.
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिएगा, हमेशा आते रहेंगे, दीदी से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। दीदी का दिल बहुत बड़ा है, दीदी को तो मिलेगा ही ना, दीदी का दिल बहुत बड़ा है।